थोड़ा सा आगे, एक स्टेप और आगे की हम बात करेंगे। सो इस बार मैं प्रिंट एफ भी यूज कर रहा हूँ एंड मैं स्कैन एफ भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कर क्या रहा हूं मैं, इंटीजर की वैल्यू एक बार स्कैन एफ से मैं एंटर करा रहा हूँ, देन मैं सारी वैल्यूज प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी पता चल जाएगा, सबसे पहले इसको कंपाइल कर लें, नो एरर, रन, ओके। चलो अब देखते हैं, एंटर दी वैल्यूज, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, एक नंबर एंटर करना है मेरे को, तो मैंने नंबर एंटर कर दिया 5, ठीक है। देन कहता है अमाउंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एंटर करनी है, मतलब 2.3 कर देते हैं, 2.3 वापस खोलने नीचे चले गए। तो पहले मैंने क्या एंटर कराया, पहले मैंने एंटर कराया 5, देन मैं 2.3 एंटर करा रहा हूं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, देन ये क्या से आ गया, देन कोई भी ई एक्सपोनेंशियल वैल्यू 3.14 डाल देते, चलो। देन लॉन्ग डबल, देन लॉन्ग इंट, तो लॉन्ग इंट डाल दो कुछ भी, 46.35 डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट होकर आएगा, 46 होकर आएगा, आई थिंक सो। देन परसेंटेज सी, दैट इज कोड, कोड डालो, कोड इसने प्रिंट कर, मैंने कोड एंटर करने से पहले, चलो आगे वैल्यू आ गई। सो कोड मैंने कुछ डाला नहीं था, तो कोड में कुछ नहीं आया, बाकी सब जगह वैल्यूज एंटर होती रही, नंबर 5 आ गया, इन सब की वैल्यूज हमारे पास आ गई, पॉपुलेशन 46 जैसे हम बोल रहे थे, ठीक है। पाई 5.32 एक्सपोनेंशियल में था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की उसने एक्सपोनेंशियल में, तो उसकी वैल्यू ये आई, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा ये अमाउंट में मेरी वैल्यू गलत आ रही है ना, 2.3 डाली थी, यहाँ गलत आ रही है, क्यों गलत आ रही है वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ अमाउंट में मैंने परसेंटेज डी लिख दिया, सो मेरी गलती है ना, परसेंटेज एफ था, यहाँ मेरे को परसेंटेज एफ लिखना चाहिए था, ठीक है। आई होप सबको प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ की कमांड पता चल गई होगी, किस वे में काम करना है, किस वे में होता है। सो आई थिंक सबको ये बात समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।